आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, पहला है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 5x² - 3x + 7 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें इसने बताया है कि x की वैल्यू क्या है 1। तो अब हम जहां जहां पर भी x होगा वेयर पुट द वैल्यू 1, तो हमारा होगा p 1 इज इक्वल टू 5 1² ठीक है माइनस 3 × 1 + 7, तो हमारा कितना आ गया ये 5। 1² = 1, 5 × 1 = 5 माइनस 3 + 7, तो कितना हो गया अभी 5 - 3 कितना हो गया 2, 2 + 7 = 9। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 9। सेकेंड है हमारा 3y³ - 4y + √11 वेर y = 2, तो इसका क्या आएगा आपका, आपको y की जगह पे 2 लगाना है, तो ये है हमारा q 2 = 3 × 2³ - 4 × 2 + √11। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 × 2³ means 3 times 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 - 4 × 2 = 8 + √11। तो कितना वैल्यू आ गया इसका, जस्ट चेक करो 3 8 = 24 24 - 8 24 - 8 कितना हो गया 16 16 + √11। ठीक है, नेक्स्ट आपका है PT is equal to 4t⁴ + 5t³ - t² + 6 at t = a। आपको a दिया गया है, तो हमारा क्या आ जाएगा PA is equal to 4a³ + 5a³³ - a² + 6। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आएंगी, जहां पर भी आपको वैल्यू पुट करना है t = a हमने वो किया, y = 2 जहां पर भी y था हमने 2 पुट किया, x = 1 जहां पर भी x था हमने वैल्यू डाली 1। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल x + 2। ठीक है, तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है px, तो हमारा px क्या है is equal to x + 2। ठीक है, अब इसने बोला है चेक वेदर -2, तो p - 2 फर्स्ट केस में हम लेते हैं, जहां पर भी x होगा वील पुट -2 -2 + 2 = 0। ठीक है, इसने क्लियर है are zeros of the polynomial means आपका आंसर शुड बी 0। ठीक है, सेकंड p 2 = 2 + 2 = 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तो हमारा आ गया, लेकिन आपको क्या लिखना है, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल
of polynomial x plus 2 is minus 2. Is minus 2, but not 2. ठीक है, माइनस 2 में हमारा 0 आया है, 2 में नहीं आया है. आपको इस टाइप से करना है. आपका क्वेश्चन है फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है कि इस वैल्यू का जीरो कहां पर आएगा. तो क्या कैसे करना है हमको, सिंपल है, वेरी सिंपल. हम लोगों ने पहले क्लासों में किया है, टी एक्स इज इक्वल टू जीरो. दैट मींस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो. तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x माइनस 1 को राइट साइड में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का प्लस 1, देन x इज इक्वल टू 1 बाय 2. तो इसका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या है, इसका 1 बाय 2. ठीक है, हमको इस टाइप से ही करना है. हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल. हमको वेरीफाई करना है कि 2 और 0 का अगर इस पॉलीनोमियल में डालेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए. ठीक है, दे आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है, तो सबसे पहले 2 बोला है उसने, तो p ब्रैकेट में 2 डालेंगे हम, इज इक्वल टू जहां पर भी x है वी विल पुट 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सेकेंड उसने बोला है एंड 0 मीन्स 0 का भी आपको निकालना है, आपने 0 निकाला, जहां पर भी x है वी विल पुट 0, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. ये भी हमारा 2 आ गया, ये भी 0 आ गया हमारा, तो क्या हो गया, तो हमको क्या लिखना है आगे, तो हमको वी विल राइट zeros of the polynomial, zeros of the polynomial of the polynomial x square minus 2x are both 2 and 0, hence verify. ठीक है,